हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ टेक न्यूज़ नंबर 286 में। ये आज मॉर्निंग में टेक न्यूज़ आ रही है क्योंकि कल रात को मैंने डाली थी रियलमी Q2, जी हाँ, मीडिया टेक डेमेंसिटी 800U वाले की अनबॉक्सिंग। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई में दे दिया या मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फ़ोन काफ़ी दमदार है और काफ़ी बढ़िया प्राइस पे लॉन्च हुआ था चाइना में, इसको मैंने इंपोर्ट किया। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहले न्यूज़ की बात की जाए तो आती है मेज़ू की तरफ से। जी हाँ, मेज़ू एक अपना धमाकेदार फ़ोन चाइना में लाने वाला है, मेज़ू 18 मैक्स 5G। ये स्नैपड्रैगन 875 के साथ होगा, 120 वॉट का चार्जर मिलेगा इसमें, 3K OLED डिस्प्ले भी हो सकती है, इन डिस्प्ले कैमरा फ़ोन होगा ये। तो भाई फ़ोन तो कमाल का होगा, इंडिया में कम आएगा और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ये लॉन्च हो सकता है। स्नैपड्रैगन 875 दिसंबर में लॉन्च होगा तो उसके बाद ही फ़ोन्स आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो नोकिया का C1 एक छोटा सा हैंडी फ़ोन जल्दी आने वाला है। 5.45 इंच का ये फ़ोन होगा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 1 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, 2500 mAh की बैटरी। पता नहीं नोकिया कौन से ज़माने में जीता है, लगता है ये अपने पुराने गम भुला नहीं पाया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो LG ने अपने 3 फ़ोन अनाउंस किए हैं, LG W11, W31 और W31 Plus। इसमें मिलेगा इनका फेवरेट हीलियो P22। अब लोग कहां से कहां डोमेंसिटी वाले प्रोसेसर में जा रहे हैं और कुछ कंपनियां अभी भी P22, A22, A25 पे अटकी पड़ी हैं। कॉस्ट रखी है इन्होंने W11 की ₹9,490, फिर एक है ₹10,990 और ₹11,990। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये फ़ोन, आप भी इनसे दूर ही रहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है हमारे भाई कैमरे की, GoPro Hero 9 Black। जी हाँ, इन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया नियर अबाउट 50,000 का, 49,500 रुपीज़ का, और इसमें मिलता है आपको 23.6 मेगापिक्सल का सेंसर, 5K रिकॉर्डिंग, 1720 mAh की बैटरी है। GoPro के कैमरे रियली काफ़ी बढ़िया होते हैं, एक्शन कैमरे होते हैं और काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन होती है, मगर 50,000, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये कैमरा रियली वर्थ है उसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो कह रहे हैं जी LG रोलेबल, कल ये परसों की टेक न्यूज़ में मैंने बताया था LG रोलेबल एक फ़ोन आएगा, उसका आज यूरोप में सर्टिफाइड हुआ है, जिसका नाम आएगा LG स्लाइड। नहीं, अब LG रोलेबल नाम नहीं होगा, LG स्लाइड के नाम से आएगा। देखते हैं, LG का आपको पता ही है, सस्ते नशे करता है और प्राइस भी ठोक के लेता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ओप्पो का एक पेटेंट सामने आया है, ओप्पो भी काफ़ी पेटेंट फाइल कर रहा है, जिसमें कह रहे हैं इसमें नो 3.5 ऑडियो जैक होगा, कर्व डिस्प्ले होगी, टेली फोटो लेंस होगा। तो इनोवेशन के नाम पे ओप्पो और रियल वीवो कमाल के प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो iPhone 13, जी हाँ, अभी iPhone 12 Pro Max कल सेल शुरू हुई है, iPhone 13 Pro एंड 13 Pro Max की लीक्स आनी शुरू हो चुकी है। कह रहे इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, माइनर से चेंजेस होंगे, जिसमें ऐड किया जाएगा अल्ट्रा वाइड लेंस और जो f1.8 एपर्चर पे होगा विद 6P लेंस। तो देखते हैं, ये लीक आई है मिंग चिंग कू, एक फेमस लीक्सटर हैं जो एप्पल की काफ़ी लीक्स लाते हैं। तो देखते हैं ये मिंग चिंग कू कितना सही होते हैं iPhone 13 Pro और 13 Pro Max के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Samsung S21 Ultra, जी हाँ, हमारे आइस यूनिवर्स, ये भी काफ़ी फेमस चाइनीज लीक्सर हैं, उन्होंने कहा है इसमें भी ज़्यादा अपग्रेड नहीं होगा, S20 की तरह ही होगा, Snapdragon 875 आएगा, प्लस Samsung का ही HM3 वाला 108 मेगापिक्सल का लेंस यूज़ किया जाएगा, जिसमें मिलेगा आपको 0.8 माइक्रोन और लेज़र फोकस होगा, मगर TOF नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या कमाल करता है नेक्स्ट ईयर Samsung अपने S21 Ultra के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Samsung के लिए Samsung Galaxy M21S, यहाँ ये ब्राज़ील में लॉन्च हुआ है और एक तरह से ये रीब्रांड वर्जन ही है एक तरह से फ़ोन, आप जो इंडिया में Galaxy F41 आया था, ये कितना रीब्रांड करेंगे। प्रोसेसर इनका फेवरेट, सबका चहेता, सिर्फ Samsung का चहेता, Exynos 9611, 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है। शुक्र है इंडिया में नहीं ले आए और ये ब्राज़ील में ले गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Sony PS5, जी हाँ, अगर आप Sony PlayStation 5 लेने के लिए बेताब हैं, 19 नवंबर से इसकी
इंडिया में सेल शुरू हो रही है और 50,000 प्राइस है। इसमें का इशू आया है कि भाई ये गर्म हो रही थी, चाहे एक रिटेल स्टोर पे इसका डेमो पीस पड़ा था जहाँ पर एक लोगों ने पाया कि भाई ये हीट हो रही है, क्यों हीट हो रही है या इससे ये डिफेक्टिव पीस था या क्या था। मगर भाई सीरियस चीज़ है, 50,000 की अब चीज़ लो और ये गर्म हो जाए, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती हमारे रियलमी की तरफ से। कल ही मैंने बताया था रियलमी RMX 3061 और रियलमी RMX 3063 जो EEC सर्टिफिकेट में आया था, आज वो TKTN सर्टिफिकेट में आ गया। ये हो सकता है रियलमी X4 सीरीज़ या रियलमी 8 सीरीज़ नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस हैं, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में। देखते हैं रियलमी कौन से फ़ोन लाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो लेनोवो लेजेंड गेमिंग फ़ोन इंडिया में आने वाला है। जी हाँ, आज इन्होंने अपनी वेबसाइट जो लेनोवो की इंडियन वेबसाइट है उस पर ये डाल दिया है कमिंग सून। तो बढ़िया न्यूज़ है, शायद पबजी भी इस साल वापस आ जाए, तो जो वो लोग गेमिंग फ़ोन चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसकी बात की जाए तो आती है हमारी भाई शाओमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 एंड 9 प्रो ये चाइना वर्जन का नाम है। टियाना सर्टिफिकेट में आ गए, लुक्स आ गई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी मिलती जुलती है रेडमी K30 Ultra की तरह, और एक मिल रही है हमारे Mi 10T Lite की तरह। जी हाँ, दो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। एक में होगा मीडियाटेक डोमेस्टी 800U जो मेरे रियलमी Q2 में है, वही प्रोसेसर होगा इसमें लॉन्च। तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट इसके जितनी होगी। ये चाइना में 1200 युआन का लॉन्च हुआ था, तो जो रेडमी नोट 9 होगा वो भी 1200 युआन के पास होगा, मतलब 13,500 के पास वो चाइना में लॉन्च हो सकता है। स्पेक्स काफ़ी सेम है। और एक आएगा हमारा Mi 10T Lite, उसका लग रहा है रीब्रांड करके आएगा, मगर उसमें आपको एक चेंज मिलेगा, बड़ा चेंज जो होगा HM2 सेंसर वाला 108 मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन 750G। ये कह रहे हैं ग्लोबली रेडमी नोट 10 सीरीज बन के आ सकती है, शायद दिसंबर में इंडिया में भी लॉन्च हो या जनवरी में होगी। तो आप वेट कर सकते हो तो ज़रूर करो, तो देखते हैं क्या कमाल होता है। मैं रियली एक्साइटेड हूँ, जो भी होगा चाइना से मैं ये दोनों फ़ोन मंगवा लूँगा। वैसे मैंने Mi 10T Lite का जुगाड़ कर रहा हूँ, शायद मेरा नेक्स्ट वीक हो जाए और वो भी मैं इंपोर्ट करके आपको उसका रिव्यू ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ की बात की तो Xiaomi का एक फ़ोन गीक बेंच में आया है M2012K11C। ये है स्नैपड्रैगन 875 के साथ, 6GB रैम है और जो उसका स्कोर काफ़ी बढ़िया है, 1105 सिंगल कोर और मल्टी कोर रहा है 3512। तो एंड्रॉयड 11 बेस है और ये हो सकता है Xiaomi का Mi 11 या Mi 20, क्योंकि आजकल जैसे S10 सैमसंग का था फिर S20 हो गया, तो Xiaomi का Mi 10 आ चुका है, Mi 20 भी हो सकता है या Mi 11 भी हो सकता है। ये जनवरी या फेब में आएगा, लास्ट Mi 10 आया था फेब में, तो क्योंकि जैन में चाइना में न्यू ईयर की हॉलीडेज होती हैं तो शायद ना आए, फेब में ये आ सकता है मगर जैन में भी आ सकता है। देखते हैं कौन सा फ़ोन होता है। वैसे कुछ लोग कह रहे थे Redmi K40, मैंने अपने ट्विटर पे डाला था, और अगर आप मेरे ट्विटर पे फॉलोअर नहीं हो तो फॉलो कर दो, मैं वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और हम वहाँ पर बात भी कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे Redmi K40, मगर मेरे हिसाब से Redmi K40 सीरीज़ थोड़ी लेट आएगी, अभी नहीं आएगी, सबसे पहले इनका Mi 11 या Mi 20 सीरीज़ आएगी। तो देखते हैं कौन सा फ़ोन होता है। तो भाई नेक्स्ट ईयर भी बहुत फ़ोन्स बढ़िया बढ़िया आएंगे, देखते हैं क्या कमाल करती हैं कंपनीज और आपकी कितनी जेब ढीली करती है। तो भाई आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, बड़ा अच्छा लगता है। मैं लाइक का टारगेट नहीं रखता मगर आप लाइक करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक करना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।